चलिए आज हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको हंड्रेड परसेंट होना चाहिए ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ठीक है सबसे पहले हमने ये पता लगाना है कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं हमने सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है सबसे पहले हमने ये पता लगाना है ठीक है अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके रियल रूट्स हैं तो हमने उनको फाइंड आउट करना है और उनको हमने फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके ठीक है तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स को फाइंड आउट करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है इसके लिए हम सबसे पहले इसको यहां पर नोट डाउन करेंगे तो लिखते हैं कि हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अब देखिए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वेयेयर का कॉफिशियंट है टू एक्स स्क्वेयर के कॉफिशेंट को हम ए सपोज करते हैं तो यहाँ पर ए हमारा है यहाँ पर ए हमारा है टू ठीक है एक्स के कॉफिशेंट को हम बी सपोज करते हैं तो बी यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस टू रूट टू एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम सी सपोज करते हैं तो यहाँ पर सी हमारा है वन देखिए यहाँ पर हमने ए बी सी फाइंड आउट कर दिया चलिए अब हम निकालते हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ठीक है हम डी को यहाँ पर निकालेंगे देखिए डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्यर माइनस फोर ए सी तो चलिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को निकालते हैं इसको निकालने से हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है ठीक है देखिए यहां पर है बी का स्क्वायर बी हमारा है माइनस टू रूट टू तो बी की जगह पर आएगा माइनस टू रूट टू बी पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर लग जाएगा फिर माइनस फिर है फोर फिर है ए ए हमारा है टू ठीक है ए हमारा है टू फिर है सी सी हमारा है वन अब देखिए माइनस का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस टू का स्क्वेयर हो जाएगा फोर रूट टू का स्क्वेयर हो जाएगा टू दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो यहां पर भी इंटू का साइन आ जाएगा ठीक है फिर माइनस अब देखिए यहां पर है फोर इंटू टू इंटू वन फोर इंटू टू हो जाएगा एट एट वन जाएगा यहां पर एट फोर टू जाट यहां पर भी हो जाएगा एट माइनस एट यहां पर आएगा जीरो तो डी हमारा यहां पर आ गया जीरो अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि रियल एंड अलग अलग रूट होता है हाँ अलग अलग रूट्स होता है लेकिन अगर डी इक्वल्स टू जीरो आता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका रियल एंड एक जैसा इक्वल रूट्स आता है ठीक है लेकिन अगर डी लेस देन जीरो आता है अगर डी माइनस में आता है तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके नो रियल रूट्स कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं ठीक है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं अगर डी पॉजिटिव आता है जीरो से बड़ा आता है तो उसके रियल एंड डिस्टिंग रूट्स होते हैं अगर डी इक्वल टू जीरो आता है तो जो रूट्स होते, है, होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं अगर डी माइनस में आता है तो नो रियल रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ठीक है इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है अब देखिए यहां पर हमारे पास में डी आया है जीरो तो हमारे पास में डी यहां पर आया है जीरो तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना रियल एंड इक्वल रूट होंगे हाँ ये वाला केस हमारे पास में तो हम लिखेंगे ये जो इक्वेशन है हमारे पास में दिस क्वाडेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स क्योंकि यहां पर डी जीरो आया है ठीक है अब देखिए हमारे क्वाडेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो चलिए अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं ठीक है किसी भी क्वाडेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंड रूट बी माइनस 4ac अपॉन ठीक है जो रूट्स आएंगे जो रूट्स आएंगे गिवन बाय इस फॉर्मूले के द्वारा हमको मिलेंगे ठीक है अब देखिए यहां पर बीच में है प्लस माइनस ठीक है यहां पर प्लस माइनस है इसका मतलब यहां पर हमारे पास में दो रूट्स आने वाले हैं एक प्लस से आने वाला है दूसरा माइनस से आने वाला है तो पहले हम प्लस साइन लेकर पहले रूट को फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो पहले हम प्लस लेते हैं अब हम पहले रूट एक्स को यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहां पर है माइनस बी तो माइनस लिख लिया यहां पर है बी बी हमारा है माइनस टू रूट टू तो बी की जगह पर आएगा माइनस टू रूट टू फिर हम प्लस साइन लेंगे क्योंकि हम प्लस साइन ले रहे हैं तो यहां पर हम प्लस साइन को लेंगे फिर अंड रूट में बी स्क्र माइनस फोर एसी बी स्क्र माइनस फोर एसी का वैल्यू यहां पर हमने निकाला है ज़ीरो डी आया है जीरो डी होता है बी स्क्यर माइनस फोर ए सी तो हमारे पास में बी स्क्र माइनस फोर ए सी का वैल्यू आया है जीरो तो इसकी जगह पर आएगा यहाँ पर जीरो ठीक है अपॉन में है टू ए टू यहाँ पर हमने लिख, लिख लिया यहाँ पर है ए हमारा है टू तो ए की जगह पर आएगा टू ठीक है अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा एक्स तो यहाँ पर है ही है माइनस माइनस जब प्लस टू रूट टू यहाँ पर आएगा प्लस में स्क्वेयर रूट ऑफ जीरो है जो कि जीरो होता है तो उसको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम जीरो को इसमें ऐड करेंगे तो यही आएगा ना नीचे हमारे पास में टू टू जो फोर हो जाएगा अब हम टू से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा टू फिर हम रूट टू से टू को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा रूट टू ठीक है आपने याद रखना है कि रूट टू से अगर हम टू को कैंसिल आउट करते हैं तो आता है रूट टू तो ये हमारा हो जाएगा वन अपॉइंट रूट टू तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला रूट है जो पहला रूट एक्स यहां पर हमारे पास में आया है वो आया है वन अपॉन रूट टू चलिए अब हम माइनस साइन लेकर के दूसरे रूट एक्स को फाइंड आउट करते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर है माइनस बी ठीक है माइनस फिर यहां पर बी बी यहां पर हमारा है माइनस टू रूट टू तो बी की जगह पर आएगा माइनस टू रूट टू प्लस में हमने लिखना है स्क्वेयर रूट में बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी को बी स्क्यर माइनस फोर ए सी हमारा ज़ीरो है तो स्क्यर रूट में आएगा जीरो स्क्यर रूट में आएगा जीरो अपॉन में टू ए आएगा टू यहां पर लिख लिया ए हमारा टू है तो यहां पर टू आ जाएगा अब यहां पर एक्स है माइनस माइनस जहा प्लस टू रूट टू यहाँ पर है ही है नीचे हो जाएगा हमारे पास में टू टू जा फोर यहां पर प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जो कि ज़ीरो होता है तो उसको यहां पर हमने ऐड कर लिया इसके साथ में तो यही आएगा ठीक है अब हम टू से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर टू आएगा रूट टू से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा रूट टू ऊपर आएगा वन ठीक है तो हमारे पास में यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू आएगा वन अपॉन रूट टू देखिए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आया था तो इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होने चाहिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट यहां पर निकाल लिए ठीक है दोनों रूट इक्वल भी है एंड रियल भी है ना तो हम लिखेंगे दियर फोर रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वन अपॉन रूट टू एंड वन अपॉन रूट टू तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर